Hi all of you, so you all are welcome on this channel. So today we are going to cover another 20 important MCQ, part number 15. है ना, पार्ट नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 281 टू 300 हम सॉल्व करेंगे. शुरुआत करते हैं आपकी पहली क्वेश्चन 281 से. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स नॉट यूज इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस. देखिए ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जनरली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा टर्म है आपके ऑप्शंस में जो बैंकिंग एंड फिनांस रिलेट नहीं करता है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट इज ओडी. ओडी अकाउंट होता है जो आपके बेसिकली करंट अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है, उनके लिमिट के ऊपर वो ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज ओडी. तो ये ओडी बैंक में हम यूज़ करते हैं. उसके बाद है बेसलाइन. बेसलाइन ही बैंक में यूज होता है. आरटीजीएस एनईएफटी तो ऑब्वियस सी बात है यूज होता है. जीबीसी, जीबीसी इज नॉट यूज इन बैंक. सो द राइट आंसर व्हिच इज व्हिच टर्म्स इज नॉट यूज इन बैंकिंग फाइनेंस दैट इज जीबीसी. ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट 282 क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर ए बैंक इज इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है उसके सेकेंड शेड्यूल में आने के लिए कौन कौन सी प्रोविजन एक बैंक को फॉलो होनी चाहिए तो ही वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो सकता है. जैसा कि आपको मालूम है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो बैंक होंगे जो आरबीआई के एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे. तो शेड्यूल नंबर 2 को फॉलो करने के लिए कौन सी बैंक एलिजिबल है, तो ऑप्शन के आधार पर हम देखते हैं. इट मस्ट बी ए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और ए कंपनी एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और एन इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन this behalf or a corporation or a company incorporated by or under any law in force in any place outside. है ना, तो ये है कि इन चाहे वो स्टेट कोऑपरेटिव हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे हो, है तो ये तमाम वो फॉर्म है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके शेड्यूल में जा सकते हैं. तो ये एक पैरामीटर है. कि दूसरा पैरामीटर क्या है, इट मस्ट सेटिस्फाई आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया that its affairs are not being conducted in a manner determined in interest of the depositor. ये भी सही है. Third is it must have a paid up capital or reserve of an aggregate value not less than 5 lakh. ये भी सही है. तो answer is all of these. मतलब ये सारे अगर parameter रहेंगे तो second schedule के लिए वो eligible होगा और schedule commercial bank के category में आ सकता है. Question 283. Which of the following is not a type of check issued by an individual? देखिए जो check है, जो negotiable instrument act 1881 के आपके section number 6 के अंदर check define किया गया है. इस check में बहुत सारे अलग अलग type के check हैं, जैसे bearer check है, order check है, cross check है, special check है, CTS check है, counter आपका loose check है. These are different types of check. तो उसमें से कौन सा चेक कहता है? नहीं है तो बीयरर चेक है. अगर सेल्फ आप देखेंगे जब चेक आप इशू करवाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड में लिखा रहता है ऑर्डर और बीयरर. तो ऑर्डर चेक भी है. क्रॉस चेक जो सबसे सेफ चेक होता है जिसमें पैरेलल लाइन हम दो क्रॉस करते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ड्रॉअर दैट इज अकाउंट होल्डर टू ड्रॉई दैट इज बैंक डू नॉट पे द कैश इन द हैंड ऑफ पे, है ना, जिसको मिलने वाला है. तो ये क्रॉस चेक है, ये भी बैंक में इशू होता है. सेविंग चेक कोई चेक नहीं होता. सेविंग अकाउंट में हमें चेक मिलते हैं, करंट अकाउंट में हमें चेक मिलते हैं, बट सेविंग चेक करके कोई भी चेक नहीं होता. द राइट आंसर इज डी, दैट इज सेविंग चेक. इस टाइप का कोई भी चेक बैंक में नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 284. रीजनल रूरल बैंक्स आर एम्पावर्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एज डिफाइंड अंडर. देखिए आरआरबी को जो डिफाइन किया गया है वो आरआरबी के एक्ट में नहीं है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है. जो इम्पावर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात है ना, कि आरआरबी ट्रांजेक्शन इम्पावर कर ट्रांजेक्शन कर सकता है, ये आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में पावर नहीं था. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285. पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व रूरल बैंक इज कंट्रीब्यूटेड बाय. देखिए जो पेड अप शेयर है वो कंट्रीब्यूट होता है सेंट्रल बैंक का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है और वहाँ की लीड बैंक जिसे हम स्पॉन्सर्ड बैंक भी कहते हैं उसका होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और लीड बैंक 35% रिस्पेक्टिवली. तो इस आधार पर आप अगर ऑप्शन में खोजेंगे तो यू विल फाइंड दैट ऑप्शन कौन सा है. तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर्ड बैंक और लीड बैंक, द रेशियो 50:15:35 रिस्पेक्टिवली. ये कई बार मैंने प्रीवियस अपने एमसीक्यू में आपको बताए हैं. क्वेश्चन 286. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कैश लेस परचेज. बिना कैश लिए आप जा रहे हैं और परचेजिंग आप कर रहे हैं, है ना, शॉप में, चाहे वो पॉस मशीन पे हो या किसी भी टर्मिनल पे हो,
तो कौन सा? तो एटीएम विड्रॉल में तो कैश लगते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या कैशलेस है? यस। डेबिट कार्ड क्या कैशलेस है? यस। आंसर इज बी एंड सी बोथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 287, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में जहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी आती है वहाँ पे आप जाने कि सब्सक्राइब कैपिटल नहीं आता है, ऑथराइज कैपिटल नहीं आता है, पार्टनर्स कैपिटल नहीं आते हैं, बट कंपनी ओपन करने के लिए जो पेड अप कैपिटल होती है, दिस इज द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। द राइट आंसर इज डी, दैट इज पेड अप कैपिटल। जो खुद की कैपिटल होती है कंपनी की, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 288, कैश रिजर्व रेशियो CRR इज टू बी मेंटेन्ड ऑन डिमांड, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, दैट इज NDTL। SLR इज दस रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड ऑन। देखिए SLR या CRR जो है, जो अपडेशन किया जाता है वो आपके करंट NDTL के आधार पे होता है। तो NDTL का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ये बताया है मैंने कि कासा अकाउंट आपका डिमांड डिपॉजिट है, है ना, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट और FD जिसे हम TDR बोलते हैं, और RD ये आपका टाइम डिपॉजिट। जो आपका डिमांड और टाइम डिपॉजिट है आपके लिए, फॉर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू इट्स लाइबिलिटी, तो इसी को हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, दैट इज कॉल्ड NDTL। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 289, व्हाट डू यू मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, टू कन्वर्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लैक मनी। है ना, इसी ब्लैक मनी को रोकने के लिए एक एक्ट ले आया गया था, जिस एक्ट का नाम था PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और इसी PMLA के लिए KYC को भी इंट्रोड्यूस किया गया, नो योर कस्टमर नॉर्म्स को भी 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो KYC के इंट्रोडक्शन में PLA में वॉज वन ऑफ द रीजन, नॉट ओनली फॉर PMLA KYC वॉज इंट्रोड्यूस। तो ये है PMLA और ये है मनी लॉन्ड्रिंग। क्या है, तो कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी और इलीगल मनी इंटू लीगल मनी, दिस इज कॉल्ड ब्लैक मनी। राइट आंसर इज कन्वर्टिंग ब्लैक मनी ऑब्टेंड थ्रू इलीगल सोर्स इनटू लीगल मनी, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। है ना, तो यहाँ पे अलग अलग आपके क्या होते हैं, तो लेयरिंग होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन होता है, लेयरिंग होता है, स्मर्फिंग होता है, दिस आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 290, फॉर ओपनिंग ए न्यू ब्रांच ए रीजनल बैंक रिक्वायर्स। ब्रांच ओपन करने के लिए RRB को क्या चाहिए, परमिशन ऑफ NABARD, यस, परमिशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशनल फिनांस, यस, अप्रूवल ऑफ DRDA, यस, RBI लाइसेंस, यस। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। है ना, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था कि हमने जो बताया है क्या, एक बार यहाँ से फिर से देखते हैं, फॉर ओपनिंग ए न्यू ब्रांच रिजर्व बैंक रिक्वायर्ड, न्यू ब्रांच ओपन करने के लिए RRB को क्या चाहिए, तो RRB रिक्वायर्स ओनली द लाइसेंस ऑफ RBI। तो राइट आंसर इज लाइसेंस ऑफ RBI C, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये डी दिया गया है। ओके, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, द मिस्टेक इज ऑप्शन ए दो दो बार दिए गए हैं, दिस यू हैव टू कंसिडर एज ए, दिस यू हैव टू कंसिडर एज बी, दिस यू हैव टू कंसिडर एज सी, RBI लाइसेंस यू हैव टू कंसिडर एज डी, राइट, ऑल ऑफ दिस यू हैव टू कंसिडर एज ई। तो राइट आंसर इज डी, जो यहाँ पे सी के रूप में लिखा गया, दैट इज ओनली RBI लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ए न्यू ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 291, कासा इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विथ ए बैंक। व्हाई डू द बैंक पुट ग्रेटर इम्फेसिस ऑन मोबिलाइजेशन ऑफ हाई कासा रेशियो। देखिए कासा एक ऐसी रेशियो है जो जिसमें हमें कस्टमर को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एवरेजिंग जो है आपके फंड कॉस्ट ऑफ फंड वो रिड्यूस हो जाता है कासा से, क्योंकि FD पे हम 8% देते हैं, 7% देते हैं, RD पे हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, किसी भी अदर डिपॉजिट पे हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, बट करंट अकाउंट में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0% है। सेविंग अकाउंट में वैरी करता है बैंक टू बैंक, SBI 2.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये बहुत कम होता है, इस कारण से कासा बहुत इंपॉर्टेंट डिपॉजिट है आपके बैंकों के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, In order to fulfill RBI stipulation for it, next is it help reduction the average cost of fund. Yes, ये हो सकता है। Third देखते हैं, these are stable deposits. नहीं, ये stable तो नहीं है, volatile है। आज आपने डाला, कल आप निकालते हैं। It's not stable, it's volatile. These help banks maintain a healthy asset. ये healthy asset के लिए तो है नहीं, ये तो आप निकालते और डालते रहते। Right answer is B, जिसमें average cost of fund को reduce करने की बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 292, द मेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन कंट्री आर। फॉरेन एक्सचेंज जो कंट्री में आपकी रहती है वो कौन कौन से कैटेगरी में रहती है, फॉरेन करेंसी एसेट, यस, गोल्ड स्टॉक, यस, स्पेशल ड्राइंग राइट, दैट इज SDR, ये
आंसर इज ऑल ऑफ दीज। एस डी आर भी जाता है, फॉरन एक्सचेंज भी जाता है और गोल्ड स्टॉक भी जाता है। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। Question 293, which of the following acts has especially been enacted to help banks deal with bad loan? Bad loan के recovery के लिए, खासकर mortgage के recovery के लिए जो act 2002 में enact किया गया, बहुत important है। जिस act के through without intervention of court bank किसी भी immovable property को sell करने की क्षमता रखती है। The act is called SARFAESI, Securitization of Asset Reconstruction and Enforcement of Security Interest of India. This SARFAESI is very very important, है ना। तो especially enact किया गया है फैसी एक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट है ना। आप को फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन बैंकिंग परेंस एनपीए स्टैंड फॉर, देखिए वैसा एसेट जो जहां पे 90 डेज तक हमारे पास कोई भी ईएमआई नहीं आता है, तो सच लोन कॉल्ड एज एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 डेज का पीरियड है, अगर 90 डेज तक कोई भी ईएमआई नहीं आया तो वो लोन जो है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए। क्वेश्चन 295 इज द ड्यूटी अप्लाइड बाय अ गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट ऑफ an article of trade so that the article of trade can be used by the local market rather than its foreign countries. The right answer is custom duty, क्योंकि excise तो अभी रहा नहीं, dumping रहा नहीं, है ना। तो ये सब तो GST emerge हो गए, but custom is stand alone tax आपका बचा हुआ है। The right answer is custom. Next, question number 296, which of the following fall under the qualitative method of क्रेडिट कंट्रोल अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी है, इसके दो पिलर हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो क्वालिटेटिव में कौन कौन से आते हैं? क्वालिटेटिव में आपके मोरल सुएशन आते हैं, आपके क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम आते हैं, आपके क्रेडिट कंट्रोल आता है, क्रेडिट मार्जिन आता है, मोरल सुएशन आता है, ये सब आपके क्या है? तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के पार्ट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज। क्वांटिटेटिव में क्या आते हैं? तो बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे के सारे आपके क्वांटिटेटिव में आते हैं। तो क्वालिटेटिव में पूछा गया, ऑल ऑफ दीज विल द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 297, द ट्रेजरी बिल आर इशूड एट ए। देखिए ट्रेजरी बिल वो आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो हम डिस्काउंट में ले सकते हैं। सपोज आज हमने 100 रुपीज़ में लिया है और डिस्काउंटेड जब उसका मेच्योरिटी पीरियड आएगा, है ना, तो हमें हो सकता है उसकी वैल्यू जो हो वो 110 मिले। तो यहाँ पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे नहीं किया जाता है, यहाँ पे कोई प्रीमियम हमें पे नहीं किया जाता है, डिस्काउंट वैल्यू पे हम लेते हैं। और जैसे 100 रुपये का है और आज हम परचेज कर रहे हैं 92 में, कल को हम बेचेंगे तो 100, दिस 8 इज आवर प्रॉफिट, दिस इज व्हाट द ट्रेजरी बिल इज। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन डिस्काउंट वैल्यू। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 297। क्वेश्चन नंबर 298, इफ अ कस्टमर डज नॉट गेट अ सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स ऑफ हिज ग्रीवांस फ्रॉम द बैंक विद इन हाउ मेनी डेज देन ही कैन अप्रोच टू बैंकिंग। देखिए बैंकिंग एम्बोर्समेंट में जाने के लिए कस्टमर को बैंक में 30 डेज का नोटिस देना है। 30 डेज के नोटिस के बाद ही वो बैंकिंग एम्बोर्समेंट में विदाउट एनी फी वो कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 30 डेज। नेक्स्ट, What is FSDC? FSDC का full form, there is no concept. You have to remember the full form, that is Financial Stability and Development Council. The B is the right answer. Last question of today's important MCQ video, that is which of the following is known as National Bank? National Bank is a central bank. हम RBI consider करते हैं. Similarly, we have to consider NABARD as National Bank. This is called National Bank of Agriculture and Rural Development. इसका establishment हमने Sivaraman Committee के recommendation पे 12 July 1982 को किया था. तो दिस इज द एपेक्स बैंक फॉर ऑफ एग्रीकल्चर रूरल फाइनेंस, है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये हैं आपकी नेशनल बैंक विच इज नाबार्ड। तो इस पार्ट में इतनी ही बात हम करेंगे, चूंकि ये एमसीक्यू है, इस कारण से थोड़ा स्पीड से हमें चलना पड़ता है, सो कम समय में हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को कवर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।